कई बार हुई चाय सेवा और हो जाए और सखी सुन रहे हो तो मेरी बात, चाय सेवा डिमांड हो रही है ऑफिशियल की तरफ से चाय के लिए हारा सर जी। जैसा कि हालिया फिल्म चंदू चैंपियन में दिखाया गया है, गांव-गांव में होते थे अखाड़े और खुले आसमान के नीचे लाल मिट्टी पर आयोजित किए जाते थे कुश्ती के दंगल। गामा हो चाहे दारा, जाधव भाऊ हो चाहे गुरु हनुमान, ये सब भारत के जनमानस में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि लोगों ने, भारत की जनता ने इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों को पटकते और उनके द्वारा पटके जाते हुए देखा है। पिछले वर्ष मेला दशहरा कोटा भ्रमण करने गया था तो वहाँ पहलवानों को मैट पर कुश्ती करते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं ओलंपिक एशियाई खेल देखकर कुश्ती समझने वाला टीवी का जंतु, मुझे पहली उत्सुकता यह जानने की थी कि कुश्ती ग्रीको रोमन पद्धति से हो रही है अथवा फ्री स्टाइल से, और फिर वही यक्ष प्रश्न, कितने किलो भार वर्ग में। बहरहाल वहाँ न कहीं कुछ अंकित था और न ही कमेंटेटर कुछ बताना चाह रहे थे। कमेंटेटर्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि वे चाय पकौड़े के जुगाड़ में ही व्यस्त थे। कुश्ती का स्तर ठीक ठाक था, थोड़े से अंतराल में पैरों की पकड़न देखकर फ्री स्टाइल विधा के होने का अंदाज़ा मुझे लग गया, लेकिन ढंग की कमेंट्री और जानकार अनुशासित दर्शकों के अभाव में माहौल जम नहीं पा रहा था। जनता थी मगर कुश्ती के दांव पेंच और उनकी बारीकियां